की है ना पापा? बोलो। हाय गाइस, वेलकम बैक। हाय कर दो सवालों। हाय। इधर देखो पहले। इधर आए करते हैं। हाय। क्या कर रहे हो आप? बोल। सो ये क्ले है Excuse me. सारी क्ले को मिक्स करके ये बनाया। अब मुझे कह रही मम्मा इसकी बॉल्स बनाओ। सिवानू देखो छोटी छोटी बॉल्स बना रही है, दिखाओ मम्मा के हैंड पे दो। थैंक यू। ये देखो अब मम्मा बनाएगी बॉल। ठीक है, खाना आपको दिखाया जाए। Hey everyone, welcome back to the channel. भाई ऑफिस से सीधा घर आके अभी 2 मिनट बैठा ही हूँ, तब जाके ब्लॉग स्टार्ट किया। सुबह से कुछ था नहीं ब्लॉग करने के लिए। और सबसे अच्छी चीज़ आज रात को है इस पिल्लू का बर्थडे। ये इतना सा पिल्लू था जब हमारे पास आया था, देखो जरा कितना बड़ा हो गया भाई, फैलता ही चला जा रहा है। आज हमारा होस्ट हो जाएगा 4 साल का, मतलब 10 तारीख को हमारे पास आया था, इसलिए हम रात को 12 बजे सेलिब्रेट करेंगे। भाई मेरी और विशाली की लाइफ। हाय बेटा, हाय फाय, हाय फाय। मेरी विशाली की लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई थी हॉस्टल के आने के बाद, और हम कभी अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाए क्योंकि उस समय हमारे पास, हम व्लॉग्स नहीं करते थे उस समय। बट आप लोगों को पता ही है हम हॉस्टल से कितना प्यार करते हैं, भाई हमारा बच्चा है ये। तो इसका आज बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, प्लस अभी चाय वाय पी के इसको मैं नहला दूंगा। कल मैंने इसलिए नहीं नहलाया, मैंने कहा यार अभी ये वॉक वगैरह करने जाएगा। आज इसलिए सोचा नहलाने की कि वॉक से आ चुका होता जब ये मैं आता हूँ, तो वही हुआ है, ये आ चुका है वॉक से, तो अब मैं इसको नहलाऊंगा। तो इसके पास पूरा सुबह तक का टाइम है आराम से सूखने का, वरना अगर मैं कल नहलाता, नहलाने के बाद वॉक पर जाता, फिर से बेकार हो जाता। हाँ अभी नहलाऊंगा इसको मैं, हाँ मैं नहला दूंगा अभी इसको। मैंने तो अब नोटिस किया है मेरे पीछे ये मॉडर्न आर्ट दिख रहा है आप लोगों को। वाह, व्हाट एन आर्टिस्ट मेरा बच्चा। हाय, इसको विशाली ने तैयार कर दिया। तो हम निकले हैं बाहर शाम को खाम खाम, और बेकरी से ना उस दिन कोमल ने बड़े अच्छे बिस्किट खिलाए थे, मैं सोच रही हूँ वो ले लेते हैं। बिस्किट हेलो पांडा वाले बिस्किट देखने, और ये बड़े टेस्टी बिस्किट होते हैं, अगर आपको किसी बेकरी पे दिखे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लास्ट टाइम हमने स्ट्रॉबेरी किया था, इस बार हमने वनीला है, मिल्क है, नाइस। क्या लिखा मिल्क में? यू लाइक इट? मोर? बोलो मम्मा दे दो। ये लो। थैंक यू। क्या खाया आपने? मेमो। हल्दीराम चले गए बरोगा? हल्दीराम मोमोज खा लो। हल्दीराम बोल आया था मैं इसको ना, हल्दीराम से। तो आ गए हम पार्क, शिवानी को बहुत दिन बाद पार्क लेके आई हूँ, तो कम से कम 1.5-2 हफ्ते बाद। मैं तो खुद बहुत दिनों बाद आई हूँ, हनी ले आया हूँ इसको, बीच में एक बार तो बादल लगे। जाओ बस यही करना होता है, इसने आते मुझे कह रही मैं करवा। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। क्या हुआ? चलो हाय
यस कुछ लड़कियां आई हैं खेलने के लिए और वो शिवानु को इतनी इतना खेल रही है उसमें और इतनी खुश हो रही है। वाह किससे करवा रही है शिवानु से। भाई ये बड़ी बड़ी लड़कियां शिवानु को इतना एडोर कर रही हैं, उसके पीछे पीछे भाग रही हैं, उससे पारियां ले रही हैं, उससे प्यार कर रही हैं उसको। शिवानु की दीदियां। तो आज रात को है ऑस्टिन का बर्थडे, ऑस्टिन हो जाएगा 4 साल का, तो मैंने उसके लिए अभी रात को मतलब फोटो वोटो खींचने के लिए अमेजोन से बंदाना ऑर्डर करे थे। मैंने एक करा था, पता नहीं उन्होंने गलती से शायद 2 दे दिए, पता नहीं, अब मैंने 2 किए थे, मुझे चेक करना पड़ेगा दोबारा। तो एक ये है क्योंकि मैं यही दोनों देख रही थी, और एक ये है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं रात को कौन सा बनाऊँ, मेरे को लग रहा मैं ये बनाऊँगी, चलो क्योंकि मैंने रेड तो उस पर देखा हुआ है, कभी ऐसा कुछ नहीं होता। तो जी हम लोग कर रहे हैं ऑस्टो के बर्थडे की तैयारी, बाहर छोटी सी डेकोरेशन कर रहे हैं। एक्चुअली इस बार ना हमने लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग में कि हमने ना लास्ट टाइम अपनी छत पे बर्थडे किया था ऑस्टी का, सारे फ्रेंड्स को बुलाया था ऑस्टो के, लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि ना बहुत ज़्यादा बारिशें हैं। हमने इस बार सोचा था कि हम लोग पार्क में करेंगे और पार्क में अच्छा सा सेटअप लगा के ऑस्टी के सारे जितने भी डॉग्स हैं ऑस्टी के साथ घूमते हैं उन सबको बुलाएंगे, जैसा कि हमने लास्ट टाइम किया था। बट इतनी बारिशें हैं, पार्क सारे कीचड़ से भरे हुए हैं, सब डॉग्स गंदे हो जाएंगे, सब बुरा हाल हो जाएगा, इसलिए हमने सोचा रहने देते हैं, ऐसे ही घर में कर लेते हैं। तो हम लोग घर में ही तैयारी कर रहे हैं, फोटोज़ खींचेंगे ऑस्टू की, थोड़ी सी आप लोगों को ब्लॉग में भी दिखाएंगे। ऑस्टी के लिए बहुत सारा सामान लाए हैं हम, टॉयज ट्रीट्स दुनिया भर की, जो कि इवेंचुअली ट्रीट्स इसको हिसाब से ही देंगे हम लोग, ऐसा नहीं है कि भाई आज ही सारी खिला देनी है, बट टॉयज सारे हम दिखा देंगे। हाँ सॉरी टॉयज भी एक साथ नहीं देंगे, एक एक करके देंगे, सब कुछ दिखाएंगे आपको। खुशहाली बाहर तैयारी कर लेंगे, अपने सेटअप पे ही फैल गए और खा रहा है कुछ, टॉय तोड़ रहा है अपना, काम चल रहा है पीछे, मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वो भी क्या है कलम से पढ़ रहा है, कलम से फूल का लगा दी उल्टे। फोटो सेशन हो गया ऑस्टू के बर्थडे का, और ऑस्टू के लिए हमने बहुत सारा सामान लिया है जो कि अब इसको हम देंगे एक एक करके। वाओ ऑस्टू के टॉयज यार, अब देते हैं सारा सामान निकाल के फोटो खींच लेंगे, कुछ ही लिया। हाँ देखो काफी सारा है, एक एक करके भी दिखा देंगे हम। देखो ये परफ्यूम सारा सामान हम पैकिंग पैसे से लाए, और कुछ ग्रेवीज, ये इसकी हड्डी, ये इसकी ट्रीट, ये और ट्रीट्स, थर्मस मचा दिया तूने, सारा कुछ तो शिवाना ही एक्साइटेड हो जा रही है। अरे ऐसी बुध बाजार लगा दे, सारा सामान आ गया। देखो भाई पागल है, किसी को पास नहीं आने दे रहा। भाई सारा कुछ नहीं मिलेगा बेटे, टू ऑस्टिन, और अब हम पूरा सेटलमेंट पद खत्म कर चुके हैं, और शिवाना को दूध पिलाया लास्ट, उसके बाद हम सो जाएंगे। देख लो कूड़ा वूड़ा सब निकाल रहे, कपड़े धुलने वाले जा रहे हैं, ऑस्टिन अपना एक वन ऑफ द टॉयज सब खेल रहा है, देख रहा। तो जी बर्थडे हो गया है और काफ़ी लेट हो गया, अब 1 बज गया और मैंने अभी तक डिनर नहीं किया है। तो ये मेरा डिनर है, दाल चावल और चटनी, जो कि मैंने बताया था बहुत स्वादिष्ट बनाई है शाली ने, तो ये मैं खाने वाला हूँ, बहुत भूख लग रही है। एंड होता है ब्लॉग यहीं पे, छोटा सा ब्लॉग, मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में। गाइस सी यू टुमारो।